हाय गाइस, मैं हूँ प्रयास एंड आप देख रहे हैं मीकनेसर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक फ़ोन की जो कि 17 अगस्त को रिलीज़ हुआ था एंड उसका नाम है वीवो V25 Pro। एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात, ये फ़ोन मेरे दोस्तों से इंस्पायर हुआ था क्योंकि ये भी रंग बदलता है। ये धूप में जाने से रंग बदलता है या यूवी लाइट पड़ने से, एंड दूसरे के बारे में अगर हम बात ना करें तो बेटर है। बाकी स्पेक्स वगैरह के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, बट एक रिफ्रेशर देने के लिए इसका टोटल वेट सिर्फ 190 ग्राम्स है जो कि हाथ में काफ़ी ज़्यादा हल्का लगता है। एंड इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है जो कि ड्रॉप, स्क्रैच और स्वेट रेजिस्टेंट है, जो तीनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं फ़ोन गिराता रहता हूँ। अगर हम इसकी स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक 6.5 इंच की 120 हर्ट्ज HDR10+ AMOLED स्क्रीन मिलती है जो कि साइड में से कर्व्ड भी है, तो इसको यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम और नॉस्टैल्जिक सा फील आता है। एंड बिकॉज इसमें MediaTek Dimensity 1300 डला हुआ है तो इसमें मेरे को एज सच कोई डेली यूजेज में प्रॉब्लम नहीं आई है। जो वेरिएंट मेरे पास में है ये 12GB 256GB वाला है, माने 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जिन लोगों को नहीं पता था। स्क्रीन की बात करते हुए इसमें हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है एंड एक्यूरेट भी दूसरे फोन से कम्पेयर। एंड MediaTek Dimensity 1300 को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इसमें एंड्रॉइड 12 और फ्रंट टच OS 12 चल रहा है जो कि आई थिंक बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों की, आई मीन इस बैक ग्लास की, तो ये एक AG कलर चेंजिंग ग्लास है। उसके अलावा हमें एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। एंड फ्रंट कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है एंड इसकी बैटरी 4830 mAh है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये फोन एक महीने एक सेमी प्रोफेशनल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है। जैसे कि हमें पता है आजकल सबको मोबाइल गेमिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, मतलब मेरे पास PC है बट मैं फिर भी इस पे कभी कभी गेम्स खेलता हूँ। एंड बिकॉज इसमें MediaTek 1300 डला हुआ है, उसके साथ में माली G77 डला हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे को इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड जो इसकी बैटरी है वो काफी वेल मेंटेन रहती है, मतलब मेरे को एक दिन काफी इजीली मैं निकाल देता हूँ इसमें। बट उसके अलावा भी क्योंकि ये फोन 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो मतलब अप्रॉक्स अगर मैं इसको 40 मिनट चार्ज पे लगा दूं तो ये 0-100 हो जाता है। बट मैं यूजुअली ये नहीं करता हूँ, मैं यूजुअली फोन को सिर्फ 2 बारी चार्ज पे लगाता हूँ, एक बारी घर से ऑफिस जाते हुए एंड दूसरी बारी ऑफिस से घर आते हुए। एंड उस साइकिल में मेरा इजिली फोन चलता रहता है पूरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के। बट अगर कभी मेरे को कहीं बाहर जाना होता तो अगर मैं इस फोन को 15 मिनट्स या 20 मिनट्स चार्ज पे लगा देता हूं तो ये एक अच्छे अमाउंट की बैटरी गेन कर लेता है। अगर मैं इसकी बैक की बात करूं तो ये ग्लास वैसे तो बहुत अच्छा है, एक टाइम के बाद जाकर के तो मैं इसका जो कलर चेंजिंग वाला फीचर है उसके बारे में भूल भी जाते हो, बट मैं नहीं भूला, मैं इस फोन को भूल गया। मैं यूजुअली फोन ऐसे रखता हूँ टेबल पे, स्क्रीन नीचे करके टेबल की तरफ में, एंड मैं लंच कर रहा था, धूप हो रही थी, फोन ने कलर चेंज कर लिया एंड मैं कंफ्यूज हो गया कि ये फोन किसका है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये फोन आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी जैसा आप समझ ही सकते हैं, मैं वीडियोस काफी बनाता हूँ एंड मैं फोटोग्राफी भी काफी करता हूँ, उस चीज के लिए इसमें जो कैमरास दिए हुए हैं, मैं रेयर कैमरा से 4K 60fps पे शूट कर सकता हूँ एंड फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps पे, जो कि एक व्लॉग के लिए काफी अच्छी क्वालिटी है। जो मेरे पास वेरिएंट है इसका प्राइस 40,000 है, बट इसके अलावा जो 128GB वाला वेरिएंट आता है वो आपको 36,000 का मिल सकता है। एंड जैसे बिग बिलियन डे सेल अभी चल रही है उस पर अगर आपको इससे कम का भी मिलता है सो आई से इसको आप ले सकते हैं। सो ये था V25 Pro का 1 month रिव्यू। उसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन है या अगर आपको और कोई चीजें जाननी है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। वीडियो लाइव जाने के एक घंटे के टाइम पीरियड में मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है उनका जल्दी जल्दी से रिप्लाई दे दूँ, बिकॉज मेरे को मजा आता है इंटरेक्ट करने में। एंड इंटरेक्शन से याद आया कि मैं हर फ्राइडे सैटरडे संडे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ गेम्स की। अभी हम मेडिसिन खेल रहे हैं जो कि एक हॉरर गेम है, तो अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है या लाइव स्ट्रीमिंग में इंटरेस्ट है या फिर बस चिल करने में इंटरेस्ट है तो ज्वाइन करो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।